वहीं यूपी के 3 डीएम पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। विधानसभा में पेश की गई लोकायुक्त संगठन की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, जिसमें बाराबंकी के 3 जिलाधिकारी सहित 6 अफसरों पर कार्रवाई होगी। आईएएस अखिलेश तिवारी, आईएएस उदयभान त्रिपाठी, आईएएस डॉक्टर आदर्श सिंह, आईएएस संजय कुमार सिंह यादव, आईएएस रत्नेश सिंह, आईएएस अनमोल सिंह के नाम शामिल है। यूपी राजस्व परिषद के अध्यक्ष आईएएस डॉक्टर रजनीश दुबे ने फिरोजाबाद की सिरसागंज तहसील के तत्कालीन नायब तहसीलदार नवीन कुमार को सस्पेंड कर दिया है। आईएएस डॉक्टर रजनीश कुमार गोयल अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन ने कानपुर किदवई नगर के अधिशासी अभियंता दीपक को निलंबित कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ इस पर ज्यादा अपडेट? कविता, देखिए, यह मामला बाराबंकी जिले से रिलेटेड है। बाराबंकी जिले के एक व्यक्ति ने एक परिवाद दाखिल किया था लोकायुक्त में। उस परिवाद के ऊपर लगातार सुनवाई के बाद यह कार्रवाई हुई है। बाराबंकी के करीमाबाद रामनगर के निवासी है एक श्रवण कुमार शुक्ला ने एक परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में इस बात का जो है उल्लेख किया गया था कि तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष रामशरण पाठक ने 2012 में जब उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष का पदभार संभाला था, उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार से बहुत सारी अकूत संपत्ति इकट्ठा की थी, जिसको लेकर के इन्होंने लोकायुक्त में परिवाद दाखिल किया था। और उन्होंने इस परिवाद में इन 6 अधिकारियों की भी दोषी ठहराने की उसमें शिकायत की थी। सबसे बड़ी बात है कविता की, ये मामला 2021 में फाइल किया गया था और उन्होंने आय से अधिक संपत्ति को लेकर के परिवाद दाखिल किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 21 से और आज 2024 तक लगातार कई अधिकारी बाराबंकी में पोस्टेड रहे, जो जिला अधिकारी थे उनके पास बहुत सारे नियम कानून और ताकत होती है, वो चाहे तो सही गलत का फैसला करके उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन किन कारणों से ऐसा नहीं हुआ, उसमें जो 6 अधिकारी शामिल है उसमें 3 जिला अधिकारी बाराबंकी रह चुके हैं और 3 अधिकारी यहाँ सचिवालय में हैं, वो यहाँ पर पोस्टेड हैं। ये जो आईएएस अफसर हैं, इनके नाम की भी शिकायत इस परिवाद में किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार शिकायत के बाद जो लोकायुक्त ने इन शिकायतों को देखने के बाद उन्होंने जो निर्देश दिया उसके बावजूद भी यह काम नहीं हुआ। यह मामला 2012 का है। 2012 में जब नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद जो अवैध रूप से संपत्ति इकट्ठा की गई उसी के खिलाफ में 2021 में परिवाद दाखिल हुआ लोकायुक्त के यहाँ और लोकायुक्त ने इसकी संस्तुति की और उस संस्तुति के बाद लोकायुक्त ने इसको कहा कि अधिकारियों को जब निर्देश दिया जाता है तो वो अधिकारी अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अधिकारी यहाँ पर पोस्टेड रहे उनकी मंशा जो है वो अच्छी नहीं रही। अगर वो सद्भावना से लोगों के हित की बात करके काम करते तो शायद ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न होती। इस मामले को लेकर के लोकायुक्त ने विधानसभा में यह सिफारिश की है इन सभी 6 अधिकारियों के लिए कि इनके ऊपर दंडनात्मक कार्रवाई की जाए। कुल मिला के चूंकि लोकायुक्त एक अलग विंग, अलग संस्था बनाई गई है जिसके लिए कि वह बाकी अधिकारियों और जो लोग जनता के हितों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने अधिकार का नाजायज फायदा उठाते हैं, या वो अगर उनके पास कोई शिकायत जाती है उस पे वो कुल मिला के अगर वो निष्पक्ष भाव से काम नहीं करते हैं, उन सभी चीजों के लिए निगरानी की जाती है। और लोकायुक्त में कभी भी जब परिवाद होता है तो स्टैंप पे लिखा पढ़ी में जो शिकायत होती है वो दी जाती है कि यह जो शिकायत है मैं सत्यता के साथ कह रहा हूँ, उसके लिए कुछ पैसे भी उनके शुल्क भी जमा होते हैं। लेकिन 2021 में इस परिवाद को दाखिल करने के बाद से 4 साल बीतने तक भी जो चूंकि लोकायुक्त ने इस बात की तहकीकात की, थर्मली जांच किया, नजदीकियां देखी और यह पाया कि इन अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं किया। ये जो भी लोक सेवक हैं, जो जनता के सेवक हैं, ये जनता का काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए कल शाम को विधानसभा में लोकायुक्त ने इन 6 अधिकारियों के लिए दंडनात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए सिफारिश की है। कविता, बिल्कुल, अगर पवन इन पर कार्रवाई होती है 3 डीएम और जो 6 आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो आगे जो डीएम है वो अपने कर्तव्य का सही से पालन करेंगे? देखिए कविता, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और वो
जीरो टॉलरेंस के लिए काम भी करते हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं जो आप देख सकते हैं, 2017 के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक वो जानकारी पहुंचती है तो उस जानकारी को तत्काल प्रभाव से वो रोकने और उस पर दंडनात्मक कार्रवाई करने का काम करते हैं। जिस तरह की सिफारिश हुई है इन अधिकारियों के खिलाफ, अब देखने वाली बात है कि विधानसभा और वहां की जो कमेटी है वो किस तरह का निर्णय लेती है। चूंकि यह मामला 6 अधिकारियों का है और जो कि 3 अधिकारी इसमें जिला अधिकारी रह चुके हैं, डीएम रह चुके हैं। चूंकि आईएएस अधिकारियों का एक अपना अलग विंग है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती भी हैं लेकिन उसमें बहुत सारे लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लोकायुक्त ने इसको बिल्कुल मजबूत ढंग से सिफारिश की है, लिखा पढ़ी की है, अब इसके बाद विधानसभा की जो समिति है, विधानसभा के जो लोग हैं, इस पे किस तरह का निर्णय लेते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर बड़ी कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं वो कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि जो लोक हित में ना हो या लोगों की भावनाओं को नहीं देखा जाएगा। क्योंकि जब भी कोई अधिकारी बनता है, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो या अन्य जितने भी प्रशासनिक पद हैं या बड़े पद हैं, उसके लिए वह जाति धर्म और ऊंच नीच सभी को विरक्त करके उसको एक अलग पद दिया जाता है कि वह सभी के साथ न्याय करेगा, सभी को एक साथ समझ पाएगा कि गलती क्या है और सही क्या है। अगर इस तरह के अधिकारी गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी न्याय की गुहार लेके इन अधिकारियों के पास जाते हैं और अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आदमी असंतुष्ट होगा और वो जनता असंतुष्ट होती तो जनता ही जनार्दन जो भगवान है वो कहीं ना कहीं से उसका स्वरूप होता है, जिसका जो असर है वो देखने को मिलता है। हर 5 साल बाद चुनाव होता है और उसमें जो तत्कालीन सरकार होती है उसका आकलन किया जाता है कि अभी तक इस सरकार ने क्या किया है, किस तरह के निर्णय लिए हैं, जनता के लिए क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर अधिकारी अच्छे निर्णय नहीं लेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, लोगों के हितों का काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि समस्या पैदा होगी। और इन अधिकारियों के लिए अब जो कमेटी है, जो विधानसभा है, उसमें किस तरह का निर्णय लेती है, क्योंकि लोकायुक्त ने स्पष्ट भाव से इन 6 अधिकारियों के लिए दंडनात्मक कार्रवाई के लिए संस्तुति कर दिया है। जी कविता जी, पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।